क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे पी ऑप्शन रिंग है, अच्छा 18 का आंसर बी है। पहले एक 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 पार्ट वाइज अपन देख लेते हैं। रिंग, ये रिंग है, इसका एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप एक्सप्रेशन तो जानते ही हो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर भी ये जीरो होगा और एक्स बहुत ज़्यादा होगा तब भी ये जीरो होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इस तरह से। तो इसके अंदर जो पी है, पी के अंदर टू हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, तो पी से टू मैच कर जाएगा। अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर जो फील्ड होती है, जैसा कि तुम जानते हो, इसके अंदर जो फील्ड होती है वो लीनियरली वेरी करती है और इसके बाहर ही एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अंदर जो फील्ड का एक्सप्रेशन आता है सॉलिड स्फीयर के अंदर वो याद ही होगा तुम्हें, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। तो अंदर तो फील्ड लीनियरली वेरी करेगी और बाहर के पॉइंट्स के लिए ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो फोर हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए फोर हो जाएगा। इसी तरह स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेरिकल शेल में जैसे तुम्हें याद होगा, स्फेरिकल शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है और बाहर के पॉइंट्स के लिए जो स्फेरिकल शेल होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो अंदर जीरो और बाहर के पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह, तो स्फेरिकल शेल का थ्री हो जाएगा। बाकी बचा प्लस क्यू और माइनस क्यू का, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेज अगर रखे हुए हैं तो उनका ऑप्शन के हिसाब से आप देखो तो वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 19, इस क्वेश्चन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया है, U इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। और फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड भी लगाना पड़ेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच चार्ज है, फोर्स है, तो ये हो जाएगा फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा 3kZe² अपॉन आर टू दी पावर 4। डिफ्रेंशिएट करेंगे और जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया और ये फोर्स होगा mv² अपॉन आर के बराबर। अब ये mv² अपॉन आर के बराबर होगा और बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यहाँ पर वैलिड हो रहा है, तो इसलिए mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये होगा, दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 3kZe² इज इक्वल टू अपॉन आर इज इक्वल टू mv² r² ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, और एक m से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये mvr जो है उसकी जगह मैं NH अपॉन 2π जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3kZe² अपॉन आर इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m। यहाँ से अगर अपन निकालें तो r की जो वैल्यू आएगी, r की वैल्यू जो आएगी वो r की वैल्यू आ जाएगी 3kE² 4π² m, 3kE² 4π² m Z अपॉन h² Zn^-2 यह आ जाएगा। रेडियस की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, n^-2 पर डिपेंड करेगी और Z की पावर 1 पे। तो इसके अंदर जो रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट है वो हो जाएगा p, जो है वो 2 से मैच करेगा। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, जो रेडियस आया है उसको यहाँ पर पुट कर दें और वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी n^3Z-1 पर। और जैसे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी, आर वी मालूम है उससे टाइम पीरियड आ जाएगा। एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखते हैं, तो सारे एक्सप्रेशन इस तरह से निकाल सकते हैं और इसमें आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू। नंबर 20, इसका आंसर डी है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। जैसे इसके अंदर कहना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपन जानते हैं -gmm/r होती है। आर जो है अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं तो जाएगा -gmm/r, अर्थ का रेडियस r दिया इन्होंने तो r प्लस h हो जाएगा, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ होती है, सॉरी टोटल एनर्जी इसकी हाफ होती है,
तो हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी ये तो चलो मैं पी लिख दे रहा हूँ, टोटल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव रहती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर प्लस एच। ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम अपॉन आर, आर की जगह आर प्लस एच हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर है डी। थैंक यू।